तो अब रिएक्शन तो आएंगे, आज से बैठक भी शुरू है। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी जैनेन्द्र का। जैनेन्द्र, किस तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस खेमे में जो यात्रा की तैयारियों की बात कह रहे हैं वो भी सच है, तैयारियां तो चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ आज सबसे अहम बात हो सकती है गठबंधन के ठप्पे के साथ, कौन कहां कहां से चुनाव लड़ेगा, शुरुआत बिहार से, किस तरीके से देखा जाए? बिल्कुल स्नेहता, 9 राज्यों में कांग्रेस को गठबंधन करना है और सभी 9 राज्यों को लेकर के जो सहयोगी दल हैं, जैसे अगर बिहार की बात करें तो बिहार में कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी के साथ है और आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन जेडीयू के साथ है। तो पहले आरजेडी और जेडीयू ने आपस में बात की है सीट बंटवारे को लेकर के, हालांकि कोई फाइनल बात नहीं हुई है, और अब आरजेडी कांग्रेस के साथ आज से औपचारिक बातचीत शुरू कर रही है सीट बंटवारे को लेकर के। 40 कुल मिलाकर सीटें हैं, 2 बड़ी पार्टियां हैं और इसके अलावा कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है बिहार में, इन 3 का गठबंधन है और इसके साथ सीपीआई और CPIML जैसी लेफ्ट पार्टियां भी हैं, उन्हें भी एक एक सीट कम से कम मिलेगी। तो 40 सीटें कैसे बांटे जानी है, कैसे बांटी जानी है, कांग्रेस से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, जेडीयू से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, आरजेडी से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, किनका लड़ना बेहतर होगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर के, संख्या को लेकर के और सीटों को लेकर के आज पहली बार औपचारिक तौर पर चर्चा शुरू कर रही है इंडिया गठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं, और इसके बाद बिहार के बाद फिर जो है वो जो अन्य बचे राज्य हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, इन तमाम राज्यों, बंगाल, इन तमाम राज्यों को लेकर के भी चर्चा होगी। और अब तक की जो खबर है उसके मुताबिक आरजेडी और जेडीयू जो बड़ी पार्टियां हैं वो 17-17 सीटें चाहती हैं, ऐसे में कांग्रेस के खाते में सिर्फ 4 सीट आ सकती है। लेकिन अगर निगोशिएशन में और बार्गेनिंग में कांग्रेस ने समझाने में कामयाबी हासिल की कि लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है तो उसे ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, तो उसमें हो सकता है कि कांग्रेस को 6 तक सीटें मिल जाए। तो इसको लेकर के स्पष्ट तस्वीर तभी होगी जब औपचारिक तौर पर बातचीत होगी और इस पर मुहर लग जाएगी। 11 बजे से मुकुल वासनिक के घर पर यह बैठक शुरू होनी थी जिसमें कि गठबंधन समिति जो है कांग्रेस की, मुकुल वासनिक, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत, मोहन प्रकाश और सलमान खुर्शीद वाली, वो चर्चा करेंगे फोन पर और ऑनलाइन वर्चुअल तरीके से आरजेडी के नेताओं के साथ। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि आरजेडी की तरफ से बैठक में कौन कौन शामिल होंगे, मनोज झा होंगे या तेजस्वी खुद भी रहेंगे। थोड़ी देर बाद जब बैठक शुरू होगी तो इसको लेकर के तस्वीर साफ होगी और यह भी तस्वीर साफ होगी कि बिहार में गठबंधन का, विपक्षी गठबंधन का स्वरूप क्या रहता है, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है। बिल्कुल, पार्टी की वरीयता मायने रखती है या फिर जिताऊ कैंडिडेट मायने रखता है, ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी देर में खुल करके सामने आएंगी, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। हमारे दो सहयोगी दिव्यांकर और जैनेन्द्र लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, फिलहाल दोनों का शुक्रिया। ABP News आपको रखे आगे।